इस फिल्मी दुनिया में रहकर भी ये दुनिया मुझे अजीब सी लगती है, शायद इसलिए कि मैं एक देहात का लड़का हूँ और एक देहाती लड़की से मिलती ये सौंधे सौंधे रिश्ते कभी नहीं। अपनी जमीनों पर खड़ा रहकर मैं कितना महफूज, कितना सुरक्षित महसूस किया करता था। मैं जानता था ये मिट्टी मुझे ही नहीं, मेरे साथ सबको रोटी, लेकिन यहाँ हरदम उखड़ा उखड़ा महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ जब तक मैं ग्लैमर में हूँ, इन रोशनियों का मरकज, इन रोशनियों का केंद्र बना हुआ हूँ, लोग देखेंगे भी, तालियां भी बजाएंगे। हर जिस दिन इन रोशनियों ने मुंह फेर लिया, एक ऐसे अंधेरे में गुम हो जाऊंगा जहां कोई नहीं पूछेगा। उस सीन में जो आदमी ओम जी के पौधा आ रहा था, जानते हो कौन है? साइलेंट जमाने का एक बहुत बड़ा हीरो, मास्टर शिराज। आज बेचारे को कोई नहीं पूछता। आओ तुम्हें कुछ दिखाऊं। ये जरा वो स्टूडियो देख रहे हो, यही मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, विमल राय के साथ। विमल राय वंदनी बन रही थी, विमल राय नहीं रहे, स्टूडियो भी खत्म हो गया। टोबी का जमीन, वंदनी, मधुमति, कृष्ण चोपड़ा की चार दीवारी, हीरा मोती, कितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें बनी हैं यहाँ। आज किसे याद है वो नाम, धुंधले होते होते एक दिन ये नाम भी भूल जाएंगे। हर ये जगह जो कला का तीर्थ स्थान होनी चाहिए, शायद एक यहाँ साबुन की फैक्ट्री बन जाए। और बस हर चीज मुझे फर्जी और वक्त की लगती है। यहाँ अपनी तरह उस लाइट को देखो, कभी उसने ना जाने कितने हीरो हीरोइन के चेहरे को रोशन किया होगा, ग्लैमराइज किया होगा। आज वो अपनी बुझी हुई आंखें उठाए इस राह में पड़ी है।